Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. दोस्तों ऐसी VIP बस के पास मैं मौजूद हूँ. MG का मतलब समझते हैं आप? MG का मतलब है के बिजनेस क्लास के अंदर जो है ना, इस वक्त हम बस को आपको दिखाएंगे कराची से पिंडी जाएगी, कौन कौन से स्टॉप पर रुकेगी, कितनी देर तक जो है ना किस स्टॉप पर रुकेगी. लग्जरी बस के अंदर अभी हम जाएंगे, सारी सीटों की सूरत हाल बताएंगे और हमारे साथ रहना. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये दोस्तों हैदराबाद, मोरो, इकबाल आबाद और दूसरे जगह पे जो है ना ये बस जाएगी और ये लग्जरी बस जो है ना कहलाती है. अभी फिलहाल जो है ना एसी भी इसका ऑन है और यक हुआ हुआ है इस वक्त. हालांकि ठंड है लेकिन फिर भी एसी जो है ना इसका ऑन किया हुआ है और इसकी सीटें जो है ना वीआईपी किस्म की देख सकते हैं आप. कराची से पिंडी के लिए तैयारी बिल्कुल इसकी मौजूद है. यहाँ पर पायलट होंगे नदीम शाह साहब, हम उनसे भी बात करेंगे और पूरी तफसील लेंगे कि कितनी देर तक जो है ना ये पिंडी तक पहुंचती है और हैदराबाद, मोरो, इकबाल आबाद, ड्रीम यार खान के पास ये कितनी देर तक जो है ना अपने स्टॉप तक पहुंचती है. LCDs भी लगी हुई हैं यहाँ पर, मोबाइल चार्जर भी लगे हुए हैं और VIP किस्म के यहाँ पर बोतल जो भी रखने का जो स्टैंड है वो रखा हुआ है. और ये सीटें जो है ना आपको नज़र आ रही हैं, ये थोड़ी सी यानी कि इसको पाँव ऊपर करके बंदा इसको लेट भी सकता है. तो दोस्तों यहाँ पर रहीम शाह साहब होते हैं, उनसे हम बात करेंगे और रहीम शाह से पूछेंगे कि ये बस कितने देर तक हैदराबाद पहुँचती है, कितनी फिर मोरो जाती है और फिर इकबाल आबाद, फिर आगे कितने स्टाफ जो है ना इसके हैं मौजूद और इसमें कितनी सवारियाँ आ जाती हैं और सामान के हिसाब से जो है ना बंदा क्या क्या सामान जो है ना लेके जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि मोटरसाइकिल भी लोग लेके जाते हैं और कई और भी सामान होता है. तो इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सा सामान जो है ना ये यहाँ से लेके जा सकते हैं. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solution. Acha dosto, ye yahan par pilot maujood hain aur inse pata karte hain. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जी. सर ये बस कराची से पिंडी के लिए जाती है जी, तो किस किस स्टॉप पर जाना रुकती है? यहाँ से हम रुकते हैं हैदराबाद, मोरो, इकबालाबाद और पिंडी.
यानी कि टोटल चार स्टॉप है, टोटल चार है। और इसका टाइम कितना है कराची से पिंडी तक का? तकरीबन 18.5-19 लग जाते हैं, 19 घंटे लग जाते हैं। और स्टे चार जगह पे स्टे होता है, सिर्फ चार जगह पे। और इसका जो है ना किराया अंदाजन कितना है? किराया इसका जी 5,000 है, 5.5 भी है, 5 भी है, 5,000 5.5 भी है। और अगर कोई बच्चा हो तो उसका भी किराया लगता है या उसका कोई हाफ है? जो सीट लेगा, सीट लेगा उसका किराया होगा, जो सीट लेगा उसका किराया होगा। और इस बस के अंदर जो है ना बंदा क्या क्या सामान लेके जा सकता है? जैसे मोटरसाइकिल भी लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकते हैं जी, आराम से, आराम से। और जरा मुझे इन बटनों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से बटन क्या क्या फंक्शन करते हैं काम? ये जी ऊपर फैन लगे हुए हैं छत के ऊपर, हाँ ये दो। अच्छा ठीक है, ये टीवी का है, ये गेट का है। अच्छा ये एबीएस ब्रेक का है, हाँ ये ऊपर शेड लगा हुआ है स्क्रीन का, सही है ठीक है। ये डबल इशारे हैं, ये टीवी का है। अच्छा ये फोग लाइटें हैं, सही। ये अंदर डिग्गी की लाइट है, सही है। ये पानी कूलर हीटर वाला पानी जो है, अच्छा अच्छा वो चल रहा है, हीटर चलते हैं इसमें, सही है ठीक है। ये बटन फंक्शन, ये लाइट है, हेडलाइट है, ये मीटर है हमारा। अच्छा ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है, ये एसी है, ये एसी है, एसी ऑन है मेरे। अच्छा ये बताएं कि गाड़ी जो है ना पेट्रोल पे है, सीएनजी पे है, किस पे? ये डीजल पे, डीजल पे गाड़ी है। और तकरीबन कितना डीजल जो है ना आपका लग जाता है? एक लाख दस बारह का लगता है आने जाने का, 110,000 का तकरीबन आना और जाना कर देते हैं इकबालाबाद तक। इकबालाबाद तक, हाँ जी, यानी कि वो पिंडी के करीब ना, पिंडी के करीब इकबालाबाद तक सेंटर में आता जी। यहाँ से जाएंगे ना, हाँ, तो कम से कम 200-250 लीटर डलेगा, 200-250 लीटर डलेगा इकबालाबाद जाके, सही है। फिर वापस आएंगे, फिर वहाँ पे डलेगा। अच्छा इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना हाईवे पे कितनी होती है और आम रोडों पे कितनी होती है? आम रोड पे हमारी होती है जी 90-95 जो मोटर है वहाँ पे 110 अलाउ है, हम 5 करते हैं, 110 अलाउ है, 5 करते हैं। अगर इत्तफाक से आपकी 110 से 12 पे चली जाए तो चलान होता है, कभी हुआ है? हाँ जी हो जाता है, क्योंकि हमारा ट्रैकर जो है ना वो मोटरवे के पास है। अच्छा जैसे 111 पे जाती है वैसे फाइन हो जाता है 750, वो कंप्लेन डाल दी, हम खुद पे करते हैं। अच्छा वो ड्राइवर के ऊपर यानी कि पायलट के ऊपर होता है? पायलट के ऊपर है। तो अच्छा गलती पायलट की होती है, उनको समझाया होता है कि आपने 105 पे चलना है, 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे चलो। अच्छा वो गलती हो जाए तो सारा कुछ जो है ना ड्राइवर के ऊपर। कितना फाइन होता है? 750-1,000 भी हो जाता है। अच्छा 1,000 भी हो जाता है। तो ये बताएं कि अगर एक चलान होता है तो क्या उसी के ऊपर दोबारा भी दूसरा भी अगर अगर कहीं गलती हो तो वो भी हो जाता है? ऐसे ना जैसे इनका ये बीड है, ये ए आगे बी है, एक ए में होगा एक बी में होगा। अच्छा वो चलान तो ऐसे होते हैं ना दोस्तों। वीआईपी किस्म की बस, तो थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूं अंदर से। I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you. अच्छा इस बस के अंदर जो ना एयरबैग्स भी लगे हुए हैं? हाँ जी लगे हुए। कितने लगे हुए हैं इसमें? लगे हुए हैं 4-6। चार किधर लगे हुए? दो किधर? पीछे चार पीछे लगे हुए, पीछे चार है ना दोनों, हाँ। में एक एक, सही है। तो दो एक आगे है, एक आगे जो ये स्टेयरिंग में लगा होता है वो, या ये लगे हुए सीट बैग? अच्छा सीट बैग पे लगे हुए, इसके डैशबोर्ड में नहीं लगे होते एयरबैग्स? नहीं। थैंक यू। ये थी MG मंठार ग्रुप की गाड़ी कराची से इस्लामाबाद के लिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और किसी और बस में, लग्जरी बस में। ये भी लग्जरी थी MG बिजनेस क्लास कराची से इस्लामाबाद। चार स्टॉप हैं, हैदराबाद, मोरो, इकबालाबाद और एक और स्टॉप है उसके बाद पिंडी। किराया भी आपने पता कर लिया, फ़ोन नंबर भी आपको जो है ना स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।